आप कौन साहब है? आम आदमी है जी, महंगाई का मारिया होया। बिजली पानी गैस दे बिल जनाब, बच्चियां दी फीसां, ये मेरे घर आके डिग गए। वो तो ठीक है, मेजॉरिटी का यही हाल है, लेकिन आपका बैटमैन से क्या ताल्लुक है? मैं हुणे ते कहा कि मेरे घर आके डिग गया, उस वेले कोमे च सो। एक कोमा केड़ा मल्ला है जी? एक बीमारी है। अच्छा, वो पिछला बंदा एसएम कोमे च है। वो बस फुल स्टॉप होने वाले हैं। मेरी हेल्प हुल्प करन नहीं दिया जनाब, बस खुराकां खाई जा रहा है। खुराकां भी तो तू जहली खुआ रहे हैं। ओ नहीं, चंगा भला उठदा सी जिदन दी इहनां लोक खुराक खादी, हुण 2 फुट ते उठदा बस। ओ 3 दिन हो गए नहीं, बल्कि 1 फुट ते उठ के मंगण लग पैंदा। भाई जी 3 दिन होने करेले कुछ खाई जा रहा है, मैनूं तो पानी वाले तलाब दा बैटमैन लगदा है। जनाब चौदह बंदे पिछे सन टांगे लैके, यकीन करो बोटियां लुटन डे सन। बैटमैन क्यों अपनी रेपुटेशन खराब कर रहे? भाई देखे, आपके मुल्क में आके मेरी तो एनर्जी ही डाउन हो गई है। एनर्जी से मैं डाउन होने दी थी जी, अच्छियां खुराकां खवाई इनू मैं, पुठ दा गोश्त ना बेड़ी एडियां बोटियां। इनू पता सी बैटमैन नु पुठ दा गोश्त है, अद्धा टाड़ी हो गया। अच्छा तुहाडे कर रहे के बंदा इंजीनियर ते हो नहीं सकदा। इसने वो काम मुझसे लिए हैं जो शायद आपको बताऊं तो आपकी आंखें नम हो जाएं। अज शो इन्हां नाल ही करना सानू, मटर दियो असीं ओही कड्डी जाईए। बड़ी तेरी ननाना वाली तबीयत होई है। कहता है एक सोसाइटी पे कब्जा तो मार। मैंने कहा मैं बैटमैन हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। क्यों जी, जॉन एलिया बन गया है। बाहर मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी ना, यहाँ पे मेरे पास 2T70 है। ये महीना को हो रहे थे यहाँ ने चेंगची ते सफर करना था। मामा वो बैटमैन ने उन्होंने कहा मैंने स्विट्जरलैंड की सैर करा के लिया, तू उधर कोलो जाले लुवाई जाना। बंदा कोई लालची जिहा लगता है। जो स्विट्जरलैंड की सैर करवाउन डे को खान साहब, उन्होंने मतलब है कि ये वे काम लवो, ये इंटरनेशनल हीरो जे। वो 3 दिन होकर पसलियां दर्द नहीं जान दी, कहता बैटमैन है। बेगम कहाँ आपकी? बेगम लड़के गई है जी, मैंने कहा जा भरजाई अपनी मना के लाया। मना के लाया भाभी? गया मनाना से, भाभी के आले दुआले फिरता रहा, उसे शीश शीश करती रही है। अच्छा ये कपड़े तुम चेंज कराओगे ना, भतीजा निकल रहा। चलो बैटमैन वापस कैसे जाओगे, फ्लाइट के थ्रू या शिप के थ्रू? भाई देखें, वहां से कोई हेल्प के लिए आवाज देगा फिर जाऊंगा। कपड़े तो तू पाए ने, मांग। देखें भाई, मैं मांगल नहीं, ये क्यों? मैं, लेकिन मजबूरी है, आप समझ रहे हैं, ये आया है कुछ कुछ जो है वो मांगेगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, मैं मांगने नहीं आया, मांगने नहीं आया, नहीं नहीं आया। बैटमैन फ्रॉम राय राइवंड। बैटमैन फ्रॉम राय राइवंड। यह जो सियाना बंदा बम्ब दे मसाले ते चाय बना लेता। अच्छा आए आप उड़ के, अब जाने के लिए आपके पास वो सुपर पावर्स है नहीं, तो पासपोर्ट वगैरह है आपके पास, वीजा शीजा? पासपोर्ट तो मेरा घूम गया, या फिर मेरे इस कफील ने छुपा लिया है। ओ कफील किनु कह जा रहे हैं? भाई आपको केड़ा मेरे अगे ऊंट देख लिया है। मैं तेनू जान नहीं देना। क्यों? मैं तेरे को सारियां अपनी खिदमतों का बदला लेना ही। तेरा कद छोटा है, मैं तेनू मोटर मकैनिक लवा देना है। सिर्फ मेरा आटा जड़ा ना अज तो डंग रह गया है। मैं तेरिया पखियां चो कढ़ने परौठे। मैं पहले महंगाई का मारिया जी, उतो मेरे होर खर्चे कराए ने। अरे भाई मेरी तौबा, मुझे माफ करो, मैं इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहता। जाना इधर आना, पेड़ियां वाली लस्सी पींदा रहा जी, मैं गुजरां वाले दा दंगल है। तो भाई साहब मेरी बात सुने, कि जब बैटमैन आपके घर आके गिरा था तो आपने क्या क्या ख्वाब देख लिए थे, कि क्या क्या करवाएंगे आप इससे? वो कमरा सी बेचारा बैटमैन ने देख के ओदी भी छत सुट दी। भाई साहब आप उसकी फिल्में देखें, उसने मार धाड़ बहुत की है, लेकिन आप तो उसको बहुत ही खतरनाक धमकियां लगा रहे हैं। उसकी फिल्में देखें, एडा सुल्तान राई, सुल्तान राई साहब ने बहुत कीतियां मार धाड़ ने, तुम वैसी गुजर की थी हो ये? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? वैसी जट की थी तू? नहीं मैंने नहीं की। जट की थी तू? मैंने तकादा एक्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी, मैं तो मदद के चक्कर में यहाँ इसके घर फंस गया हूँ। बैटमैन थोड़े नाल वाला साहब आए ने? ये मेरे वालिद नहीं, बल्कि ये मेरे मोहसिन है। बैटमैन इतनी सकील उर्दू आपने पाकिस्तान में सीखी है? पता नहीं, मुश्ताक यूसफी दा मुंडा है। जिस दिन आया मेरी मजबूरियां हल ही नहीं करन दिया, गरीब आदमी मैं,
ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 18 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ 18 ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ ਅਜੇ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ तो पाकिस्तान में कैसे तशरीफ आवरी हुई आपकी भाई ऐसे हुई कि ऊपर से जहाज जा रहा था जहाज का एक टायर मैंने और दूसरा सरदार ने पकड़ा हुआ था मैंने सरदार से कहा कि कहाँ जा रहे हो उसने कहा कि मैं दुनिया का चक्कर लगाने जा रहा हूँ सरदार कमाल साहब नहीं यार दूसरे की बात कर रहा हूँ वापस आएंगे या न चक्कर से रहेंगे 17 साल बाद तो दुनिया से आया फिर सरदार ने मुझसे पूछा भाई मुझसे तो पूछ लिया तुम कहाँ जा रहे हो मैंने कहा मैं लाहौर जा रहा हूँ लाहौर क्यों भाई मस्तियां करने अरे आपने वो मिसाल नहीं सुनी कि जिन्ने लाहौर नहीं वेखिया ओ जमिया नहीं पहले तू किड्डा जमिया होर किन्ना जम लेगा नहीं आपकी तो समझ आती है आप तो सुपर हीरो हैं ये सरदार साहब जहाज के पहिए से लटक के क्या दुनिया का चक्कर लगा भी लेंगे नहीं लगा लेंगे उन्होंने 18 लाख की टिकट ली हुई है भाई देखें जो जितना रैपिड जंप लेता है वो गिरता भी ऐसे ही है लेकिन खड़ा हो जाता है फिर अल्लाह तेरी खैर करे ब्रेक तो बाद ते पौध लेंगे ना भाई उसके बाद इतना लंबा सफर सरदार साहब ने मुझे एक लतीफा सुनाया वो काफी बोरियत वाला था सरदार साहब ने कहा भाई मैंने तो अपनी जान लगा दी आप फंसे नहीं ना ताली बजाई जब आपने ताली नहीं बजाई तो वो नाराज भी हुए हाँ फिर मैंने उनका दिल रखने के लिए ताली जैसे ही बजाई मैं नीचे भाई मैंने देखा एक मैं जिसके नीचे मुर्गी रख एक मिनट आपका किस्सा बहुत लंबा लग रहा है